एम का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू वन है, सी इक्वल टू वन, ए का वैल्यू यहाँ निकलेगा फोर ए, फोर ए का मतलब ए का वैल्यू टू हो गया और एम का वैल्यू यहाँ से वन, यह इक्वल नहीं है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। सवाल कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे चलिए, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है टू इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया है टू और एम का वैल्यू हो गया वन, यह उत्तर हो सकता है, यह उत्तर हो सकता है। अब इसको उत्तर बोलने के लिए इसका कंडीशन कंजेंसी वेरीफाई कर लीजिए या फिर तो बाकी को गलत बोल दीजिए। तो हम क्योंकि इसका वेरीफाई करने का समय लगेगा, समय बढ़ाने के लिए हम इसको गलत बोलने के फिराक में है। C इक्वल टू माइनस टू, ए इज इक्वल टू टू बाई एम, एम का वैल्यू वन, यह इक्वल नहीं है इसलिए यह गलत है। C इज इक्वल टू, यहाँ C का वैल्यू तो है, A का वैल्यू हो गया टू और M का वैल्यू हो गया माइनस वन, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब यह सही होगा कि हमने इसका वेरीफाई किया ही नहीं और वेरीफाई करेंगे भी नहीं और यह सिखाएंगे भी नहीं कॉमन टेंजेंट बनता रहते हैं। लेकिन कॉमन टेंजेंट का मतलब मैंने आपको सिखा दिया, ऐसा टेंजेंट जो सर्कल में भी काम कर जाए और पैराबोला में भी काम कर जाए। सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसके लिए कंडीशन टेंजेंसी मुझे मालूम था, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसके लिए कंडीशन टेंजेंसी मुझे मालूम था, और वही ऐसा सही होगा जिसमें दोनों कंडीशन टेंजेंसी वेरीफाई हो जाए। गलत बोलने के लिए एक जगह गलत काफी है और सही बोलने के लिए दोनों जगह सही है। इस प्रश्न में हमने ये कभी नहीं बोला कि बी उत्तर सही है, हमने ये बोला कि ए सी और डी गलत है। अब अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड पैराबोला क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। Yeah.
झूठ थे नहीं मिला ही सी इक्वल टू सी का वैल्यू कितना माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए बाई एम ए का वैल्यू कितना है वन और एम का वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री तो माइनस वन यहां पर और रूट थ्री यहां पर क्या यह इक्वल है या मतलब यह उत्तर हो सकता है क्योंकि इस उत्तर में पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वेरीफाई हो गया ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम तो या तो इसको सही बोलने के लिए यह वेरीफाई करना होगा या बाकी दोनों को हम गलत बोल दें तो हम चाहते हैं कि बाकी दोनों को गलत बोल दें हम यही चाहते हैं अगर दो जगह पैराबोला के लिए कंडीशन टेंजेंसी वेरीफाई हो जाएगा तो हमारे लिए मजबूरी हो जाएगा सर्कल के लिए कंडीशन टेंजेंसी को वेरीफाई करना लेकिन जब मजबूरी होगा तभी सिखाएंगे जब मजबूरी नहीं होगा तो मैं नहीं सिखाऊंगा चलिए देखते हैं यहां पर एम का वैल्यू यहां पर रूट थ्री भाग देना होगा तो वन बाई रूट थ्री और इसको भागा देंगे थ्री बाई रूट थ्री मतलब रूट थ्री सी का वैल्यू कितना हो गया रूट थ्री वन बाई एम का वैल्यू हो गया वन बाई रूट थ्री मतलब इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है यहां भी वेरीफाई हो गया इसको समझिए यहां पर रूट थ्री तो बाहर करेंगे तो माइनस तीन बाई रूट थ्री माइनस रूट थ्री और यहां हो जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री क्या यहां पर सी इक्वल टू ए बाई एम शब्द का पालन हो रहा है चेक कीजिए तो सी का वैल्यू कितना है माइनस वन बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बाई एम ए का वैल्यू कितना है वन एम का वैल्यू कितना है माइनस रूट थ्री यहां भी वेरीफाई हो गया मतलब इन तीनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है अब मुझे देखना है क्या क्योंकि सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारा जो फॉर्मूला था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर यह सब तभी था जब मेरा सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तब अब हम क्या करने जा रहे हैं अब जरा गौर से देखते हैं यहां का पार क्या था ये देखिए रूट थ्री वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री ये दिया हुआ है कोई भी लाइन किसी भी सर्कल के लिए कंडीशन समझिए दूसरी बात सकल में मैंने ही पहले ही बता दिया था जो सदाभार मेथड है दो तरीका से सिखाए गए अच्छे से सीख लीजिए एक बार यह सर्कल है यह लाइन है कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है या काटने वाला है या ना तो काटने वाला ना तो टेंजेंट है यह बात कैसे पता करेंगे तो यहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले बताया हुआ है यह ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू लाइन और इधर हो गया रेडियस कोई भी लाइन किसी सर्कल को काटने वाला है या टच करने वाला है या ना तो काटने वाला ना तो टच करने वाला यह बात कैसे होगा कैसे वेरीफाई करेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर सेंटर के लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दें अगर यह रेडियस से छोटा हो रहा है रेडियस से छोटा हो गया तो इंटरसेक्टिंग है या काटने वाला है जैसा कि फिगर में दिखा है अगर यह इक्वल टू रेडियस का सर्कल हो गया तो टच करने वाला है पहले बता चुके हैं और यह ग्रेटर रेडियस का सर्कल हो गया
नहीं होगा इसको वेरीफाई करने के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू लाइन रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है या नहीं है हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। चलिए भर गया इसमें किसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। 48 में जो है y equal to mx plus c जो है वहां m का वैल्यू कितना 1/√3 या √3 होगा तो किस क्वेश्चन में 48 के ऑप्शन में b में किसी में 48 के a ऑप्शन में हां यहां पर √3 होगा हां क्योंकि √3 डिवाइड करना है ना √3 होगा तो यहां पर देख ले यहां पर कितना मिलेगा c equal to a by m ना c का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू यहाँ ये भी वेरीफाई कर गया चारों ऑप्शन वेरीफाई है जो काट दिए थे ना ये भी वेरीफाई कर गया एम का वैल्यू यहाँ रूट थ्री हो जाएगा चलिए अब ऑप्शन वेरीफाई कर गए अब हमें अब इसको फैसला टीका हुआ है अब इसको और कोई कंफ्यूजन किसी को है चलिए आगे देखते हैं इक्वल टू रेडियस हुआ या नहीं हुआ
तो यह हो गया 6 और यह हो गया 3 गुने की 6, मतलब यहां पर वेरीफाई हो गया। ध्यान रखिएगा यह उत्तर होना तय है, सी और डी को मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वाई, क्योंकि ऑप्शन बी में पैराबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दोनों वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम क्योंकि सवाल कह रहा था कौन टेंजेंट निकालने के लिए, सवाल कह रहा था कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए, मतलब जो सर्कल के लिए भी टेंजेंट हो और पैराबोला के लिए भी टेंजेंट हो। तो जो पैराबोला के लिए टेंजेंट था उसमें चारों के चारों वेरीफाई कर चुके। अब ऑप्शन बी जो है वो सर्कल के लिए भी सही है, तो निश्चित तौर से गारंटेड है कि सी और डी का गलत होना तय है। आपके मन की अगर शंका है कि मान लीजिए सी भी सही हो जाए तो हम अकेले लड़ा लड़के कोर्ट में केस करके इस क्वेश्चन को कैंसिल करवा देंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को बोलेंगे सवाल गलत है। निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब जाने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है पूछिए। आंसर में सी ऑप्शन लिखा है, वो बाद में देखेंगे। आंसर सी क्यों दिया है उसका फैसला ही नहीं करेंगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। जैसे अभी ऑप्शन ए में लिखे थे ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था ना कि नहीं हुआ था? जी सर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान इग्नोर करते हुए आप हमारे द्वारा बताए गए नियम को समझिए, उस नियम से फिर से आप सवाल बनाइए, फिर से बताइए ऑप्शन सी है कि नहीं है। मीनिंग क्या हो गया? जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, सब चेक कर लीजिए। सर इसमें कुछ पूछना था सर। अब बोलिए। जैसे सर छोटा ही आंसर बनाना है, तो अगर हम वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दे तो पॉइंट मिल जाएगा सर। हाँ? सर्कल में, और उसी पॉइंट को फिर ऑप्शन से अगर मिलाना चाहे तो भी आंसर आ जाना चाहिए। ये किस्मत किस्मत की बात है कि पहले सर्कल से मिलान करे कि पहले पैराबोला से मिलान करे। रूल दोनों के बारे में पता है, रूल दोनों के बारे में पता है, और एक कॉमन परिभाषा जो कल चर्चा किए थे हम लोग, कि कोई भी लाइन किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, कोई भी लाइन किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट तभी होगा जब उस लाइन के वैल्यू को सर्कल में रख दिया जाए, सर्कल में या पैराबोला में या इलिप्स में हाइपरबोला। रखने के बाद बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यू निकलेगा वह दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है तो गारंटेड है कि वह लाइन उसको टच करने वाला है। यह मेथड सदाबहार मेथड है। अब क्वेश्चन देखने के बाद एक किस्मत किस्मत की बात है कि कहां कौन सा आसान है और कहां कौन सा टफ। हां, आप कुछ आना है इसमें? नहीं सर। ठीक, ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको कैलकुलेशन मिस्टेक को इग्नोर करते हुए इसको फिर से बनाना है, मेथड हम बना दिए और फिर बनाना है, अगर दिक्कत होगी तो जरूर फिर से बताएं। ये रोल नंबर 39 जरा पूछ लेते हैं, कल भी लेटर ज्वाइन किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रोल नंबर 39 ज्वाइन कर लिया जी, गौतम कुमार। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा जिस बात से मुझे नाराजगी है हम उस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। रांची में पिछले 22 साल से हम कोचिंग चलाए, तो अगल बगल के कोचिंग के बारे में भी मुझे अनुभव था। ध्यान रखिएगा जो बोल है उसको ध्यान, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी था हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और रांची के 99% कोचिंग ऐसे थे जहां पर पढ़ाई समय से शुरू नहीं होता था। उन नालायक शिक्षक, क्योंकि वह शिक्षक नालायक, जिस कोचिंग में जिस टीचर में समय की अवधि का ख्याल नहीं रह रहा है जो शिक्षक, वो शिक्षक कहां से हो गया? नालायक शिक्षक हो गया। हम उसको नालायक की श्रेणी में रखते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से।
ये मेरा है कि हम कभी समय से लेट से पढ़ाना नहीं शुरू किए। ध्यान रखिएगा, आपको भी मेरे जैसा ही बनना होगा। हमें लेट लोग पसंद नहीं है। नंबर 39, क्या बात है बाबू जी, आवाज जा रही है? नंबर 39 या नहीं जा रही है? कोई जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है, चिंता ना करो। रोल नंबर 39 से बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। लिफ्ट करिए। बोलो भाई, कोई जवाब नहीं है? लिफ्ट कर गया ग्रुप से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा ब्लैक लोग ना पढ़ तो ज्यादा अच्छा है। If the line is normal to the parabola, सवाल और 58 देखें। तो आज हम सारे लोगों को लिफ्ट करा ही देंगे, चिंता की बात नहीं है। 2x plus y plus k equal to 0 is normal to the parabola. यह लाइन इस parabola के लिए नॉर्मल है। y square equal to minus a. यह लाइन इस parabola के लिए नॉर्मल है। Then a value of k, एक तत्व से पढ़ाई चल रही है। अब तक नालायक लोग हमारी मानसिकता को समझ आना चाहिए था और अभी भी नहीं समझा है तो पता नहीं कब सुधरेगा ये लोग। हमको समय से पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए और होमवर्क अपडेट रखने वाले चाहिए। जैसा औकात नहीं है, आज भी क्लास छोड़ सकता है, अभी छोड़ सकता है। तो यह लाइन जो है इस पैराबोला के लिए नॉर्मल है। इसको बनाने का दो तीन तरीका है, क्योंकि यह लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो चेक कर लीजिए और ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। और उसके बाद कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी सब भी पढ़ा है। तो यह लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख गए। और यह पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ एक वैल्यू है माइनस टू। और कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी का पढ़ते हैं, सी इक्वल टू कितना, माइनस ए एम स्क्वायर माइनस टू ए एम। माइनस ए एम क्यू था ना, माइनस ए एम क्यू माइनस टू ए एम, दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सी का वैल्यू कितना है, माइनस के। ए का वैल्यू कितना है, माइनस टू। नतीजा ये हो जाएगा टू इंटू एम क्यू, एम का वैल्यू माइनस टू। ए का वैल्यू है माइनस टू और एम का वैल्यू है माइनस टू। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो माइनस के इक्वल टू माइनस 16 और माइनस 8, तो के का वैल्यू हो गया 24। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको सिखाते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, उसको लिखिए। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल यह चैप्टर पढ़ना है आपको कैलकुलस में ही। उसको जरा सीखिए। पहले इसको समझ ले जरा। ये कोई कर्व का नाम था y इक्वल टू fx और यह पॉइंट का नाम है x1 y1। इस कर्व पर हजारों हजार पॉइंट थे, इस कर्व पर हजारों हजार पॉइंट थे और हजारों हजार पॉइंट में हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। और यह लाइन पॉइंट P है और ये T है। PT इज द टेंजेंट, टेंजेंट x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट का नाम हो गया PT। टेंजेंट एक तरह का लाइन होता है और लाइन में दो चीज होते हैं, एक पॉइंट होता है और एक स्लोप होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप dy/dx किस पॉइंट पर, उस
भी अपने आप में एक लाइन है तो उसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला किस पॉइंट पर निकल रहा है एक्स और वाई वन पॉइंट पर तो वन माइनस वाई वन इक्वल टू यह है टेंजेंट का स्लोप और जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो उल्टा होगा और टाइम चेंज होगा उल्टा विथ टाइम चेंज ऑप्शन सही हो रहा है सर बी और सी अब चार्ट अगले करेंगे आप चेक कर ना आपको जो बात करनी होगी वो बात में करिएगा दोनों ऑप्शन अगर सही हो तो पावर जाता जाएगा समझ गए बात चलिए आगे देखते हैं सवाल कौन सा अभी हम लोग बात कर रहे थे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उसकी बात करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे अब हम लोग बात कर जा रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तब जाके कुछ और सवाल बन गए
बीच कितना एंगल बना है। तो हम आज से यही सीखेंगे कि एंगल जब भी निकाला जाए तो दो लाइन के बीच निकाला जाता है, तो कुत्ता और टमाटर के बीच एंगल कभी नहीं निकालते। तो दो कर्व के बीच एंगल निकालने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका मीनिंग होता है। दो कर्व के बीच एंगल कितना बना इसके लिए हम लोग एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट निकालते हैं, देयर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम ये पता करना होगा कि दो कर्व आपस में कटे कहां पर हैं। हो सकता है कि दो कर्व तीन चार जगह कटे हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो यह भी निकल जाएगा। और इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे, इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे, तो यह टेंजेंट हो गया दूसरे कर्व के लिए, और यह टेंजेंट हो गया पहले कर्व के लिए, और यह एंगल को मुझे निकालना है। तो जो पहला टेंजेंट था वह एक्स एक्सिस से बनाया थीटा वन एंगल, और जो दूसरा कर्व था वह एक्स एक्सिस से बनाया, ये दूसरा कर्व था थीटा टू मान लेते हैं, और ये थीटा वन। तो जाहिर सी बात है इसको जरा समझना है। पहले कर्व पर ये पहला कर्व था ये वाला, तो पहला कर्व पर हमने जो टेंजेंट खींचा उसका नाम था पी टी वन, और पहला जो कर्व पर टेंजेंट खींचे थे उसका नाम था पी टी वन। पी टी वन का जो स्लोप होगा उसको एम वन बोलेंगे, और एम वन का वैल्यू टेन थीटा वन, और यह वैल्यू किसके बराबर होगा? डिफरेंशिएशन के बराबर, मतलब एफ वन डैश किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालना, मतलब डीवाई बाई डीएक्स अभी हम चर्चा किए थे। उसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पर सवाल बनेंगे अभी तो और क्लियर हो जाएगा। पी टी टू जो दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट था उसका नाम पी टू था, इसके लिए स्लोप एम टू, इसके लिए स्लोप एम टू, और एम टू को लिखेंगे टेन थीटा टू इक्वल टू एफ टू डैश एक्स। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच में एंगल जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकालेंगे एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का प्रोसेस क्या है? सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद मेरा पॉइंट पी निकल जाएगा, उसी पॉइंट पर पहला टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट के बीच का एंगल को निकालना पड़ेगा। तो पहला टेंजेंट निकालना इसका मतलब उसका स्लोप निकालेंगे, दूसरा टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, एम वन और एम टू निकल जाएगा, और एम वन और एम टू निकल जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बटा वन प्लस एम वन एम टू, ये पढ़ चुके हैं। और ये दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे? जिस दिन ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा मतलब टेन 90 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है नीचे वाला जीरो, नीचे वाला जीरो ऊपर में 5 हो या 13 हो या 25 हो, लेकिन नीचे वाला गारंटी है कि जीरो होगा। और नीचे जीरो कब होगा? जब एम वन एम टू का वैल्यू कितना हो जाए माइनस वन। यह दोनों कर्व आपस में पैरेलल कब होंगे? जब यह थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 tan 0 का वैल्यू 0 होना है, मतलब m1 बराबर m2। चलिए ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ बनाएंगे, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है।
सर एक बार परपेंडिकुलर होने के लिए m1 into m2 इक्वल टू माइनस जी जी इसके बारे में दो कर्व परपेंडिकुलर है मतलब दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री ये वाला जी और टेन 90 का वैल्यू कितना होता है इंफिनिटी और इंफिनिटी की परिभाषा क्या है ये देखिए इंफिनिटी एनी नंबर अदर देन जीरो एनी नंबर अदर देन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो एग्जांपल 8 बटा 0 को क्या बोलते हैं एनी नंबर एनी पॉजिटिव नंबर 8 बटा 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी 13 बटा 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी 25 बटा 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी रूट 3 बाय 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी और 1 बटा 3 बटा 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी तो इंफिनिटी की परिभाषा में शामिल है नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा न्यूमरेटर कितना होगा ये मुझे नहीं पता और 0 की परिभाषा क्या है 0 बाय एनी नंबर 0 बाय एनी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 0 बटा 5 यह भी 0 0 बटा माइनस 3 यह भी 0 0 बटा रूट 3 यह भी 0 और 0 बटा 5 बटा 7 यह भी 0 तो 0 बटा 0 को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब किसी भाषा में हमारी भाषा में गणित का कचरा इसकी कोई जरूरत नहीं यह इंटरनेट फॉर्म है कचरा ही है ना तो इसको बोलते हैं और ना तो इसको समझते हैं इन्फिनिटी हम लोग समझते भी हैं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है और इन्फिनिटी को यूज भी करते हैं कहाँ यूज करते हैं इन्फिनिटी को प्रशांत महासागर में कितना लीटर पानी है जवाब क्या होगा इन्फिनिटी आसमान में कितने तारे हैं जवाब क्या होगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी को बोलते भी हैं और यूज भी करते हैं समझते भी हैं महसूस भी करते हैं जीरो जीरो को भी बोलते हैं समझते हैं सुनते हैं और यूज करते हैं कहा मेरे पॉकेट में 700 रुपया का कितना नोट है जीरो ऐसा कितना लड़का है धरती पर जो 24 घंटा से ज्यादा पढ़ता होगा जीरो मतलब यह जीरो को बोलते भी है सुनते भी और समझते भी है लेकिन जीरो बटा जीरो को ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं ना समझते हैं ना महसूस करते हैं इसलिए हमारी परिभाषा में यह गणित का कचरा है तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया जैसे 90 वैल्यू रखे टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मतलब ये कितना होगा बट ये जीरो होना तय हो गया और ये जैसे जीरो होगा इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा माइनस वन तो यह खत्म बचा हुआ है चलिए आगे देखते हैं सर पेज नंबर लिखते जाइएगा सर ओहो पेज तो छूट जा रहा था कोई बात नहीं हम लिख देंगे ये पेज है उसमें लिख देंगे ये पेज 3 हो जाएगा ना तो उसमें लिख देंगे चलिए अब लोग सवाल बनाते हैं इसलिए जरूरी हो गया कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी
कभी कभी आ रहा है कभी जा रहा है सर, वो कभी मीट नहीं किया सर। लोग म्यूट करके बैठे हैं, यही दिक्कत है ना कि बातें से बोलते समय देखिए दिक्कत शुरू हो जाएगा। सारे लोग म्यूट कर लीजिए ना। जहां सुविधाएं होंगी वहां पर समस्याएं भी होंगी, इसीलिए समस्या को बंद करने के लिए सुविधा को बंद करना पड़ता है। The angle of intersection between the curve y square equal to 4x और x square equal to 4y। छोटे छोटे सवाल है, बनाना शुरू कीजिए। ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व, दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर एट 16:8। तो इस सवाल में आधा काम सवाल में खुद पहले से लिया हुआ है, आधा काम मुझे करना है। मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अभी सिखाए थे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहला काम इन दोनों कर्व को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू को यहाँ रखेंगे या इसका वैल्यू को यहाँ रखेंगे, सबसे पहला काम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दे या वाई का जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दे। वाई के वैल्यू को हम यहाँ रखने जा रहे हैं, तो जब वाई के वैल्यू को रखेंगे तो वाई का वैल्यू है कितना, एक्स स्क्वायर बटा चार का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। इसको सॉल्विंग है, एक्स फोर माइनस 64 ध्यान रखिएगा, कुछ गलत करेगा। इस सवाल में तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड। अगला स्टेप लोग ये लिख रहे हैं y बराबर z, यह तरीका गलत है। सही क्या है वो समझिए। इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, इसको इधर बुलाइए, एक्स कॉमन। अब क्या होगा, आइदर x इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू जेड। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। गणित में काटने का नियम कहीं पर नहीं है। काटने से पहले मुझे एक अंग्रेजी लिखना होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, और डिवाइडिंग हम सिर्फ नल जीरो नंबर से कर सकते हैं। तो यह काटेंगे तब जब मुझे पहले से पता रहेगा कि एक इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब यह सही हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता नहीं है एक इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम काट कैसे देंगे, इसमें यह तरीका गलत है। ऐसा करने से मेरा रूट का लॉस होने लगता है, मतलब रूट निकलना चाहिए था तीन गो तो निकल रहा है दो, निकलना चाहिए था दो गो तो निकल रहा है एक। मतलब काटने की आजादी मैं आपको दूंगा जब उसको भी आंसर में खारिज कीजिए, एक सिक्वल टू जीरो को भी आंसर में खरीद लीजिए, फिर मैं आपको काटने का जानी दूंगा। तो अक्सर लोग यहाँ से बोलेंगे एक सिक्स को काट देते हैं, आप बेहिचक काटिए, लेकिन एक सिक्वल टू जीरो पहले उत्तर लिख लीजिए, फिर काटिए जितना काटना है जब काटिए। तो यहाँ कितना मिलेगा, एक फोर बटा 16 इक्वल टू 4x। बहुत लोग काटने में बहुत बड़ा है, लीजिए काटिए, जरूर काटिए, बेहिचक काटिए, लेकिन पहले x इक्वल टू जीरो को मैं उत्तर में शामिल कर दिया, फिर काटिए। अब x क्यूब बराबर 64, इसलिए x का वैल्यू 4।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू सवाल मैं गलती नहीं किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 वाई तो यहाँ हो जाएगा 32 तो ये हो जाएगा कितना 32 का स्क्वायर 32 गुना 32 तो एक्स क्यू इक्वल टू 32 इंटू 32 इंटू 4 अब इसको लिखेंगे 8 गुना 4 इसको भी लिखेंगे 8 गुना 4 और इसको लिखेंगे 4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इसका क्यूब रूट 2 इसका क्यूब रूट 2 और इन तीनों के बदले 1 तो निकले आने की 16 एक्स का मान कितना निकल गया 16 अब जब एक्स की जगह 16 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है लेकिन हमें दो जगह पर फाइव करना चाहिए बात का देखिएगा जब एक्स का वैल्यू 16 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पे 8 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो को निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो को निकल गया एक निकल 0 0 और दूसरा 16 मुझे ये क्योंकि यह दोनों कर्व के लिए एंगल मुझे कहां पर निकालना है यह सवाल में दिया हुआ था तो मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा वहां पर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसीलिए मैं आपको यह समझाया अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो जगह निकला एक यहां पर भी निकल और यहां पर मतलब ये दोनों कर्व जो है वो आपस में दो जगह कटेंगे एक 0 0 पर कटेगा और दूसरा 16 पर कटेगा तो जब दो जगह कटेगा तो एंगल भी दो निकलेगा एक एंगल यहाँ पर निकलेगा और एक एंगल यहाँ पर निकलेगा दो जगह कटेगा तो एंगल भी दो जगह निकलेगा लेकिन मुझे इस सवाल में एंगल सिर्फ यहाँ पर निकालना है मुझे यहाँ पर एंगल निकालने के लिए बोला भी नहीं है तो इसी पॉइंट पर हम M1 निकालेंगे और इसी पॉइंट पर हम लोग M2 निकालेंगे M1 मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकाल रहे हैं कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन 2y dy by dx equal to 4 यहाँ से निकल गया dy by dx यहाँ से निकल गया dy by dx का वैल्यू 4y 2y कट गया 2yy लेकिन कब निकालना था इस पॉइंट पर जिस जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मुझे स्लोप निकालना है तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 मतलब 1/4 और इसी को बोलेंगे M1 अब दूसरा के लिए निकालिए इसके लिए डिफरेंशिएशन कीजिए 2x इक्वल टू 32 dy by dx यहाँ से dy by dx का वैल्यू 1/16 एंगल
निकल गई निकल जाएगा। सेम सवाल देखिए एक और 52
लिए टेंजेंट खींच आ जाए और यहाँ पर दूसरे कर्म के लिए अगर टेंजेंट खींच आ जाए तो निश्चित तौर से दो के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब इसमें से और सवाल देखिए, कुछ पूछना था, अब कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छा हुआ था उसको जरा देख लें। तो
दूर से चल रहे हैं, तो या कोई भी टेंजेंट होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई। अब मुझे फोकस से गिराना है परपेंडिकुलर, मैं गिरा दिया परपेंडिकुलर, फुट ये वाला हुआ। अब मुझे जी का लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है, जब तक वो पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक कैसे क्लियर होगा कि लोकस किसका निकालना है। तो अब समझने वाले बात क्या होते हैं, पीएस का इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ पीएस, और पीएस का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट पता है, यस पॉइंट पता है ए जीरो। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। क्या पीएस का स्लोप मालूम है, यस। क्यों मालूम है, इसका स्लोप जितना था उसका उल्टा और नेगेटिव होगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है एम, इसका स्लोप कितना होगा माइनस वन बाई एम। तो इक्वेशन ऑफ पीएस कितना होगा, ये देखिए फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन, चूंकि इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं तो ये काम करेगा एक्स वन का, ये काम करेगा वाई वन का, इक्वल टू तो इसका स्लोप एम था तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस वन बाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू कितना है ए। तो यह हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए बटा एम। यह किसका इक्वेशन था, पी क्यू का इक्वेशन था। मुझे क्या करना है, मुझे P का लोकस निकालना है, तो P कैसे निकलेगा, तो P निकलेगा PQ का इक्वेशन और PS का इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो P निकलेगा। PS एंड PQ, PS और PQ को सॉल्व कर देंगे तो P निकलेगा। मतलब पहला और दूसरा को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व, एक्स का वैल्यू निकालना वाई का वैल्यू निकालना, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो मान आएगा उसमें क्या आएगा, इन लोगों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे उसमें ए और एम आ जाएगा, और वाई का मान जो निकालेंगे
चीज पूछना था। हाँ 50 स्टार्टिंग जुड़ना 52 का जो क्वेश्चन बताए y स्क्वायर माइनस 4/4 का होल स्क्वायर, वो जो सॉल्व है वो इक्वेशन एक बार थोड़ा देख लीजिएगा ना, बाई फोर का। कभी फोटो परपेंडिकुलर क्यों था, कभी फोटो
और देखेंगे। अच्छा बहुत सारे सवाल है जो बनाते बनाते याद भी कर लेना है। आप एक देखिए सवाल, यही सवाल देखिए आप, पॉसिबल लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला, ये सब सवाल एकदम याद रखना है। 41 लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला, ये देखिए ये पैराबोला इसको यानी इक्वल टू 4 ए बाय है। अब इसमें हमको निकालना है परपेंडिकुलर टेंजेंट Yeah.